Hello friends, welcome to Unique Universal YouTube channel. I hope you are fine and I am fine also. और आज मैं आपको एल्गार परिषद मामले के बारे में मैटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ. इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर हनी बाबू प्रोफेसर जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को वो शामिल है ये कहा गया है पुलिस वालों का. तो उनके साथ क्या जबरन जबरदस्ती करके पुलिस वालों ने क्या किया इस बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी. जो जहाँ तक इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो स्टूडेंट्स को पता तो होगा ही क्योंकि मीडिया के थ्रू ये जो है 2-3 दिन पहले जो है ये बात पब्लिश हुई थी. तो जो हनी बाबू प्रोफेसर हैं उनके घर में तलाशी ली गई. ये पुणे की जो क्राइम ब्रांच की सहायक पुलिस है उन्होंने लोकल थाने में नोएडा के लोकल थाने में जाकर पुलिस वालों से सहायता ली और उन्होंने बोला उनसे कि इनसे इनको एल्गार परिषद मामला जो है उसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन लेनी है. और बिना सर्च वारंट के जो पुलिस है पुणे की उन्होंने इनके घर में जो है इनके घर में घर पर जाकर जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क थी और जो पेन ड्राइव थी कुछ इनका जो सामान था उनको ले लिया. हालांकि इनसे कहा गया प्रोफेसर सर से कि ये चीज़ें जो है हम आपके वापस कर देंगे. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पुलिस वालों के पास ना सर्च का वारंट था और ना गिरफ्तारी का वारंट था. हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है फिर भी जो चीज़ें उनसे ली गई ठीक है. अब प्रोफेसर सर का कहना है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं मीडिया के आने से मीडिया के आगे आने से क्यों घबरा और सारी इंफॉर्मेशन जो भी उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है. तो इस तरीके से जो है उनके घर पर आकर नोएडा में स्थित जो उनका मकान है सेक्टर 78 में वहाँ पर जाकर पुलिस वालों ने इस तरीके से उनके साथ शुरू जो है बिहेव इस तरीके से वो पेश आए. तो अब सोचने वाली बात है कि जो ये मामला है ये सच है या गलत है इसके बारे में कुछ दिनों में खुलासा हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन